आज मुझे पढ़ के एक दो दिन पहले के अखबार में हैरत हुई कि एक वक्फ बोर्ड के तरफ से एक ऐलान आया, एक न्यूज आई है वक्फ बोर्ड से हर राज की। उसमें वहां के मुख्तलिफ चीजों के हर राज हो रहे हैं और उसमें एक हर राज ये भी हो रहा है कि गाड़ियों को वहां जो नहीं लाया जाता है उसकी पूजा जो की जाती है उसके भी एक हर राज हो रहा है। कहां जा रहे हैं आप लोग? हमारे में और गैर मुस्लिमों में फर्क क्या है? उन मंदिर को ले जाके नारियल फोड़ दे और तुम ये छिल्लों पे ले जाके नारियल आप फोड़, कौन सिखाया आपको ये अमल? याद रखो मेरे भाई, आज तौबा करो ऐसे अमल से। और हमारे वक्फ बोर्ड से भी मेरी गुजारिश है, अगर ये अमल वहां हो रहा है तो आपका काम है रोकना, ये अमल को आगे बढ़ने मत दीजिए, वरना लोगों का ईमान जितना गारत होगा उतना ये वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों पे उसका अल्लाह का अजाब होगा। हमको जो भी चीज ले, हमारे को बचपने में सिखाया जाता था, क्या सिखाया जाता था? नए कपड़े पहनो, नए कपड़े पहनने के बाद नई चप्पल पहने। फरमाते थे नई चप्पल है नए कपड़े है, सबसे पहले तुम वजू करो नमाज अदा करो। कहा कि हजरत क्या माने? अल्लाह ने तुमको ये कपड़े दिया है, तुम्हारा काम है कपड़े देने वाले का शुक्र अदा करो। और याद रखो, इस्तरी के कपड़े अगर मस्जिद में आके आपके इस्तरी तोड़ रहे हैं तो खुश हो जाओ कि आज हमारे जो कपड़े हैं, जिसकी चमक है, जिसकी दमक है, वो अगर खत्म हो रही तो अल्लाह के घर में खत्म हो रही है। लोगों को बताने के लिए कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, पाकी के लिए कपड़े पहनना है। और फिर कपड़े इसलिए पहनते हैं हम लोग कि अल्लाह का हुक्म है,